हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त हेमंत। तो कुछ टाइम पहले एवेंजर वाला, दो तीन दिन पहले एवेंजर बॉक्स का अपडेट आया था जो कि UMT प्रो में ही सपोर्ट करता है क्वालकॉम CPU का। अब UMT ने UMT QC फायर वर्जन 9.0, इसमें भी सैमसंग क्वालकॉम का सभी का अपडेट दे दिया। गजब का अपडेट है। पूरा डिटेल में आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या अपडेट है। सैमसंग के लगभग क्वालकॉम में सभी फ्लैगशिप मॉडल ऐड कर दिए। फ्लैगशिप से मतलब जो कि सैमसंग की हायर मॉडल है, मतलब एस सीरीज़ हो गई, जेड सीरीज़ हो गई, जो कि महंगे मोबाइल हैं, वो सभी ऐड कर दिए हैं। और कुछ लोगों का एक क्वेरी थी कि एवेंजर बॉक्स का सेटअप उनका ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं उनको बता दूँ कि उनका ओपन क्यों नहीं हो रहा है। एवेंजर बॉक्स का जो अपडेट आया था वो UMT प्रो में चलता है एक बात, और UMT प्रो में चलेगा। और जो UMT प्रो न्यू लेते हैं, जैसे मैंने आज UMT प्रो परचेस की, तो आज से एक साल तक एवेंजर बॉक्स का सपोर्ट उसमें रहेगा। लेकिन अगर UMT प्रो का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है एक साल के बाद और आप दोबारा रिचार्ज कराते हैं, तो फिर एवेंजर बॉक्स का उसका सपोर्ट ख़त्म। एक साल जब UMT प्रो आपने लिया तो एक साल तक उसका सपोर्ट रहेगा, और UMT का रिचार्ज ख़त्म हुआ एक साल के बाद फिर ये नहीं चलेगा। इसका अलग से रिचार्ज कराना रहता है, लगभग 1900-1950 रुपये का होता है। तो सैम जो अपडेट एवेंजर बॉक्स में आया था सैमसंग के A1 से लेके नोट 20 अल्ट्रा तक, अब UMT ने अपडेट दे दिया है QC फायर 9.0 में। क्या है अपडेट देख लेते हैं। अपडेट में ये यहाँ पे साफ साफ उन्होंने मेंशन किया है, सैमसंग के जो हैं A1 5G से लेके S सीरीज़ के पूरे मोबाइल हैं जो कि क्वालकॉम CPU में हैं, और Z सीरीज़ के फोल्ड 3 से लेके फोल्ड 4 तक सभी ऐड कर दिए हैं क्वालकॉम CPU में, जो कि इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो है EDL मोड पे होंगे। तो यहाँ पे एक वीक पॉइंट भी है कि EDL मोड पे होंगे, तो ये जो है सभी फ्लैगशिप मॉडल हैं, इनको खोलना रहेगा। खोल के EDL पॉइंट को शॉर्ट करके केबल लगाएंगे, जब क्वालकॉम मोड पे कनेक्ट होगा तब जाके आप FRP कर पाएंगे। यहाँ पे सपोर्टेड फंक्शन उन्होंने साफ साफ बताया है, सेलेक्ट मॉडल एंड यूज फंक्शन सैमसंग स्पेशल ग्रुप। मतलब ये जो अपडेट है यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे आप जाएंगे सैमसंग में, ये मैंने अपडेट कर लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वर्ज़न 9.0 है QC फायर का। तो यहाँ पे ये सैमसंग, और यहाँ पे चलो मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया S23 अल्ट्रा 5G। तो अब ये जैसे FRP करना है या लॉस्ट मोड रीसेट करना है, तो यहाँ से आप कर पाएंगे फैक्ट्री रीसेट, रीसेट FRP, लॉस्ट मोड। तो यहाँ पे उन्होंने दो तीन ऑप्शन ऐड किए हैं, लॉस्ट मोड भी आप हटा सकते हैं, FRP भी हटा सकते हैं सैमसंग क्वालकॉम CPU में, और फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा अपडेट भी है और कुछ भी नहीं है। मतलब कौन मोबाइल को खोलेगा अगर S23 अल्ट्रा आता है आपके पास में, तो बैक पैनल उसका निकालो, टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करो, बाय चांस अगर डैमेज हो गया बैक पैनल तो बहुत महंगा आता है उसका ओरिजिनल बैक पैनल। सभी का आएगा ओरिजिनल, अगर ये बैक पैनल है उसका तो बहुत महंगा आएगा, और खोलने में बहुत मशक्क़त है इसमें। जो ये सभी मॉडल हैं, J6 प्लस को ही आप देख लें तो जो फोल्डर निकालना रहता है ऊपर से निकलता है इसका, बाकी का तो कुछ मॉडल के बैक ग्लास से निकल जाएगा, लेकिन J6 प्लस का तो फ्रंट से पहले फोल्डर निकालो फिर क्वालकॉम मोड पे वो कनेक्ट होगा। तो अपडेट ठीक है और मतलब कुछ काम का भी नहीं है, क्योंकि कोई मोबाइल को खोलेगा नहीं, बायपास कर लेगा। तो एक ये अपडेट है। और जो अपडेट में यहाँ पे उन्होंने बताया है, ये यहाँ पे टैब स्पेशल सैमसंग टैब ऐड कर दिया है, मॉडल आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और FRP रीसेट यहाँ से करेंगे। और दूसरा जो इसमें अपडेट है वो है ये अपडेट रीड एंड टूल टैब फॉर लेस कटर। यहाँ पे जो डिसेबल लॉक का था, रिस्टोर लॉक का था, तो जो फंक्शन थे वो सब उन्होंने फॉर्मेट एंड रीसेट में यहाँ पे दे दिए हैं, डिसेबल लॉक, रिस्टोर लॉक, रीसेट लॉक। तो ये जो हमें यहाँ पे दिखते थे फैक्स रीड पैटर्न के यहाँ पे, वो सारे फंक्शन यहाँ पे दे दिए, सिक्योर रीसेट, फॉर्मेट, ये फॉर्मेट चिप वाला बाहर था, इन्होंने फॉर्मेट रीसेट टैब में ये सभी दे दिए। दूसरा जो है यहाँ पे सिक्योरिटी फंक्शन में इन्होंने IMEI रिपेयर, बैकअप QCN, रिस्टोर QCN, ये हमें बाहर मिलते थे, ये भी इन्होंने यहाँ सिक्योरिटी फंक्शन में सभी एक 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 साथ कर दिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी फंक्शन में आते हैं। रीसेट EFS हो गया या QCN हो गया, एनेबल DIAG जिसमें हम IMEI रिपेयर करते हैं क्वालकॉम मोड पे, ये सब जो है उन्होंने यहाँ पे दे दिए। तो ये सिक्योरिटी फंक्शन है, चाहे वो
DIAG पोर्ट बनाना हो, IMA रिपेयर करना हो, QCN हो, EFS हो, तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया है कि हमने जो है सिक्योरिटी फंक्शन में इनेबल DIAG, IMA रिपेयर, ये सब यहाँ पे दे दिया। तो जो अपडेट एवेंजर बॉक्स में आया था वो सेम अपडेट उन्होंने यहाँ पे दिया है। और अपडेट रीसेट FRE फंक्शन यूज अदर मेथड जेनरिक मेथड फेल में जो फेल हो रहे थे जेनरिक मेथड में वो भी उन्होंने यहाँ पे इम्प्रूव किया है FRP में। और अपडेट से फॉर्मेट यूज मेथड ये वही है, सेव फॉर्मेट आप कर सकते हैं जेनरिक में, जहाँ पे आपको मॉडल सेलेक्ट नहीं करना रहता सीधा आप क्लिक कर सकते हैं उस पर। और अपडेटेड इंटरनल लोडर डेटाबेस, जो इंटरनल डेटाबेस है इसका लोडर है, जब हम फाइल डाउनलोड करते हैं उसमें जो डेटा आता है, फाइल आती हैं, उनको अपडेट किया है। तो ये था UMT का QC फाइल का वर्ज़न 9.0 का अपडेट। और एवेंजर बॉक्स का तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर ओपन नहीं हो रहा है तो पहले तो आप ये चेक कर लें कि एक साल के अंदर में है आपका UMT प्रो कि नहीं, UMT में चलेगा नहीं, चलेगा तो UMT में ही चलेगा, UMT प्रो में ही चलेगा। और अगर एक साल हो चुका है तो फिर आपको अगर इसको एक्टिवेट कराना है तो 1900 या 1950 रुपये का अलग से एक्टिवेशन कराना रहेगा, तब जाके आपका एवेंजर का सेटअप है जो UMT प्रो में ओपन होगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप ये अपडेट, इस अपडेट के लिए अगर आप कर रहे हैं तो UMT प्रो में ये ऑलरेडी अपडेट आ चुका है। और डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।